हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास 11th का चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। तो देखो, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है नाइट्रोजीनस वेस्ट को रिमूव करना। ओके, एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम नाइट्रोजीनस वेस्ट को रिमूव आउट करते हैं। ओके, एक्सक्रीशन और इजेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, कभी भी इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये एक्सक्रीशन जो होगा उसमें नाइट्रोजीनस वेस्ट होंगे जो कि ब्लड से फिल्टर किए जाएंगे, जबकि इजेशन में क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होंगे उनको रिमूव आउट किया जाएगा। ओके, अनडाइजेस्टेड फूड के अनडाइजेस्टेड वेस्ट को इजेशन के थ्रू रिमूव किया जाएगा और एक्सक्रीशन के थ्रू नाइट्रोजीनस वेस्ट को रिमूव किया जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो किंगडम एनिमेलिया होता है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स होते हैं, तो उनके अंदर जो नाइट्रोजीनस वेस्ट होते हैं वो भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजीनस वेस्ट के ऊपर ही उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। जैसे पहला है अमोनोटैलिक कौन होंगे? जो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करेंगे। इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा वो अमोनिया होगा। ओके, ये है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर अमोनिया हो तो वो अमोनोटैलिक कहलाएगा। अगर यूरिया हो तो यूरियोटैलिक कहलाएगा। अगर यूरिक एसिड होगा तो यूरिकोटैलिक कहलाएगा। ओके, तो देखो अमोनिया जो होगा, अमोनिया के लिए खास बात होती है कि अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो जो पानी के अंदर रहेगा वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करेगा, जैसे फिश हो गई हमारी। नेक्स्ट है यूरियोटैलिक यूरिया जो एक्सक्रीट आउट करेंगे, जैसे हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। यूरिकोटैलिक यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में निकलेगा जो कि बहुत ज्यादा ड्राई होगा, और उन इंडिविजुअल्स के अंदर ये एक्सक्रीटरी वेस्ट का काम करेगा जिनको वाटर की बहुत ज्यादा कमी है, जैसे छिपकली या इंसेक्ट्स। जो लिजर्ड होती है हमारी, वॉल लिजर्ड और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करेंगे। ओके, तो एक्सक्रीटरी वेस्ट के ऊपर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ये मैं यहां लिख देती हूँ, क्लास कौन सी है हमारी? 11th। ओके, तो हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है? अ पेयर ऑफ किडनी, मींस दो किडनीज होंगी वहां पर। किडनी कैसे शेप की होती है? बीन शेप की। पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या होता है। तो क्या होगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर? किडनी होंगी, यूरेटर्स होंगे और यूरिनरी ब्लैडर होगा और यूरेथ्रा होगा। तो किडनी होती है बीन शेप की। ओके, यहां से यूरेटर्स आएंगे जो कि कहाँ ओपन होंगे? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर।
और यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के अंदर। ये किडनी हो गई हमारी, ये यूरेटर्स, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। इसी के साथ साथ यहाँ पर भाई क्या कह रहे हैं हम कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो ब्लड में से फिल्टर आउट किया जाएगा। तो ब्लड सप्लाई करने वाली तो आर्टरी और वेन होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रीनल आर्टरी और रीनल वेन होगी, रीनल आर्टरी और रीनल वेन, ठीक है। ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन क्या करेगी भाई, ये इसका कनेक्शन है, ठीक है। एक से ब्लड जाएगा और एक से वापिस आएगा, वापिस इसमें आएगा, ठीक है। इससे ब्लड जाएगा और इसमें वापिस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो रीनल आर्टरीज होंगी, रीनल आर्टरी से ब्लड आएगा किडनी को, रीनल आर्टरी से। ये आर्टरी होगी जो ब्लड सप्लाई करेगी किडनी को। उसके बाद जो ब्लड होगा वो किडनी के अंदर आएगा। किडनी के अंदर क्या होती है, नेफ्रॉन्स होते हैं। ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। नेफ्रॉन ही होंगे जो जो ब्लड आया है उससे यूरिया को एक्सक्रीट आउट करेंगे, और फिर ब्लड तो वापस चला जाएगा लेकिन वो जो यूरिया निकला है वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, और उसके बाद यूरेथ्रा से वो यूरिन के थ्रू पास आउट कर दिया जाएगा, ओके। तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके ये कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको याद रखनी है, ओके। डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। उसके बाद हम किडनी की स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। तो देखो किडनी होती है, पहले मैं किडनी के डाइमेंशंस वगैरह बता देती हूँ। तो जो किडनी होती है वो लगभग 120 टू 170 ग्राम, एक किडनी का जो वेट होता है वो 120 टू 170 ग्राम होता है। किडनी की स्ट्रक्चर, ओके। तो जो किडनी होती है हमारी कैसे शेप की होती है, बीन शेप की होती है, ओके। कितना, 120 टू 170 ग्राम मैंने किडनी लिखा है, मतलब मैं एक किडनी की यहाँ पर डायमेंशन की बात कर रही हूँ, ओके। ये लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर वाइड होगी, ओके, और लगभग 10 टू 12 सेंटीमीटर लेंथ होगी इसकी, ओके। और इनके अंदर जो इनकी फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन, क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन, ठीक है। अब किडनी की बेसिक किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो जो किडनी होती है वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। जो किडनी का बाहर वाला, भाई बायोलॉजी में ये बात तो मतलब रट लो बिल्कुल, कि जो बाहर वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, कॉर्टेक्स, ठीक है। बाहर वाला जो रीजन होगा उसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला रीजन होगा उसको बोलेंगे मेड्यूला, ठीक है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं क्या, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। अभी हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, सामिक किडनी स्ट्रक्चर के बारे में। तो बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स और अंदर वाला क्या, मेड्यूला, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कॉर्टेक्स का थोड़ा सा पार्ट छोड़कर अंदर यहाँ पर होते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स, मतलब पिरामिड के फॉर्म में होगा, ट्रायंगुलर शेप के होंगे ये,
तो ये वाला जो रीजन बच गया इसको बोल रहे हैं क्या, कोर्टेक्स। ठीक है, कोर्टेक्स वाला रीजन है ये, मेडुलरी पिरामिड्स है जो कि मेडुला के अंदर है, इसलिए इनको मेडुलरी पिरामिड्स बोल रहे हैं। मेडुलरी पिरामिड मेडुला के अंदर है, पिरामिड शेप के हैं, इसलिए इनको मेडुलरी पिरामिड बोला जाता है। ओके, अब जो ये वाला रीजन होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, जो जहां पर ये जो कॉलम्स होते हैं, सॉरी मेडुलरी पिरामिड्स जो होते हैं उनके बीच में जो रीजन होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स। अब यहां से जो आर्टरी और वेन का कनेक्शन होता है, एक से ब्लड अंदर आएगा और दूसरी से ब्लड बाहर जाएगा फिल्टर होकर। मतलब अंदर आएगा तो उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट होंगे, लेकिन जब वो बाहर जाएगा तो नाइट्रोजिनस वेस्ट वहां से फिल्टर आउट हो चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद यहीं से क्या निकलेगा, यूरेटर। ठीक है, यूरेटर्स निकलेंगे। तो ये हमारी किडनी की नॉर्मल सी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, कोर्टेक्स होता है, कैलिक्स रीजन होता है, और एक सॉरी जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन एंटर और एग्जिट करती हैं, और यूरेटर जो होता है वो एंटर और एग्जिट करता है। ठीक है, अब जो किडनी होती है उसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो फिल्टरिंग यूनिट होती है। ओके, तो हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लेते हैं। नेफ्रॉन जो होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है, क्या होता है, यहां से अफरेंट आर्टरी आएगा और यहां से मतलब जो ब्लड को लेकर आएगी वो अफरेंट आर्ट्रियोल होगी, और जो बाहर लेकर जाएगी वो होगी इफरेंट आर्ट्रियोल। ये लेकर आ रही है और ये लेकर बाहर जा रही है। ठीक है, ये होगी अफरेंट आर्ट्रियोल और ये होगी इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, उसके बाद ये होगा ग्लोमेरुलस, जहां पर ये जो आर्ट्रियोल होगी वो बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन में, ये जो होगा इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलेंगे, बोमेंस कैप्सूल। ये वाला रीजन होगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल और ये होगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबूल। उसके बाद ये होंगी लूप ऑफ हेनले, यहां से ब्लड आएगा, यहां से आएगा सॉरी फिल्ट्रेट आएगा। तो ये होगी डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले और ये असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये होगी यहां पर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब एक बात हो रही है यहां पर, जो लूप ऑफ हेनले होती है उसके साथ में ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ये ब्लड कैपिलरीज क्या होगी, अपोजिट। जैसे ये डिसेंडिंग लिंब है तो यहां पर ब्लड कैपिलरी असेंडिंग फॉर्म में होगी, ये डिसेंडिंग होगी तो ये असेंडिंग होगी, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगी और इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, इसमें जो लूप ऑफ हेनले होती है वो मेन रोल प्ले करती है रीअब्सॉर्प्शन में और सिलेक्शन में। ठीक है, तो जब भी रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है
या एक्सक्रीशन हो रहा है तो उसमें जो लूप ऑफ हेनले होती है उसका मेन रोल होता है। लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, डीसीटी, ये सब मेजर रोल प्ले करेंगी। और हम आगे जब यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें हम इन सब का फंक्शन डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।